गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा था गेम ऑफ चांस। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जो राशिद था वो अपने अंकल के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे सामान थे, छोटी बिन से लेके बफेलो तक आप खरीद सकते हो, मतलब बहुत अच्छी वैरायटीज थी। और अचानक अंकल को दोस्त मिल जाते हैं तो वो उनके साथ नहीं चले जाते हैं और राशिद को एक भैया के साथ छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम कुछ खरीदना मत। तो राशिद और वो जो भैया थे वही दुकान से दूसरी दुकान में घूम रहे थे, तो अचानक वो एक दुकान में पहुंचते हैं जिसका नाम था लकी शॉप। लकी शॉप वहां पे रिंग्स रखी थी, डिश रखी हुई थी, आपको उसको उठाना 50 पैसे देने पड़ते थे और आपको 6 डिशेस मिलेगी और उसको ऐड करना था, और जो भी आपका टोटल आएगा उसका जो भी सामान वहां पे रखा हुआ था वो नंबर जिसमें भी मेंशन था वो सामान आपका हो जा रहा था। तो राशिद देखता है कि वहां पे एक ओल्ड मैन 6 डिश परचेज करते हैं और उनका टोटल आता है 15, 15, 15। और फिर उनको एक बहुत अच्छी सी क्लॉक मिलती है, लेकिन उन्हें वो क्लॉक नहीं चाहिए रहती, तो दुकानदार को वापस सेल करके वो वहां से चले जाते हैं। चलिए आज हम आगे की स्टोरी देखते हैं। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। तो फिर उनके बाद एक बच्चे ने, एक लड़का था, उन्होंने भी अपनी लक ट्राई की और उन्हें क्या मिला था, कॉम मिली थी 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। जो शॉपकीपर था जो गेम खिला रहा था, ना ही वो खुश था ना ही वो दुखी था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। तो फिर जो शॉपकीपर था वो उनसे 25 पैसे में खरीद लेता है वापस। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और फिर वो जो बॉय था फिर वो दोबारा से फिर से वो गेम खेला। He now got a fountain pen worth 3 rupees. अब उसे इस टाइम पे क्या मिला? Fountain pen मिली 3 rupees की। Then he tried a third time and got a wrist watch 25 पैसे। अब बॉय को क्या मिला? 25 पैसे की फाउंटेन रिस्ट वॉच मिली थी। पहले तो देखिए उसको कॉम मिला, फिर फाउंटेन पेन मिली थी, अब रिस्ट वॉच मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. अब वो फिर से उसने खेला, उसे क्या मिला? टेबल लैंप मिली, कितने की? 10 rupees से ज्यादा की थी। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. बल जो लड़का था जितने सारे गिफ्ट जीता वो बहुत खुश था और वो वहां से अच्छा खासा पैसा लेके वापस चला गया, क्योंकि वो सामान उसको चाहिए नहीं था तो वो दुकानदार को वापस सेल कर दिया और चला गया वहां से। तो अभी जो उस राइटर थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि देखो लोग इतना ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें तो अच्छे से सामान मिल रहा है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब जो राइटर है वो भी चाहते थे अपना लक ट्राई करना। आई लुक्ड एट भैया, ही इंकरेज मी। उनके साथ एक भैया थे, उनसे पूछते मैं खेल लू क्या, तो बोलते हैं हाँ हाँ खेलो। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिशेस। अब उसने जो राइटर थे उन्होंने 50 पैसे दिए और 6 डिश वहां से उठा ली। My luck was not too good. लेकिन मेरा जो लक था वो इतना अच्छा नहीं था। I got 2 pencils. तो राइटर को सिर्फ पेंसिल मिलती है 2। The shopkeeper bought them from me for 25 पैसे. तो शॉपकीपर था वो 25 पैसे से मेरे से खरीद लेता है। I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. तो फिर वो बोलते जब मैं दोबारा खेलता हूँ तो मुझे क्या मिलती है? एक इंक की बॉटल मिलती है, वो भी ज्यादा पैसे की नहीं थी। The shopkeeper bought that two for 25 पैसे. फिर शॉपकीपर उसको 25 पैसे में खरीद लेता है। I took a chance for the third time. अब मैं फिर तीसरे बार खेलने की ट्राई करता हूँ। Still luck was not with me. फिर से मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। I had hopes of winning a big prize. जो राइटर थे वो चाहते थे कि वो बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट जीते। And continued to try my luck again and again. वो बार बार खेलते गए। Paying 50 paisa each time, मतलब हर बार आपको 50 पैसे देने पड़ रहे थे रिंग के लिए। But every time I got a truffle, लेकिन उनको हर टाइम क्या मिल जाता था? ट्रिफल मिल जाता था। ट्रिफल मतलब an object of little value. At last, I was left with only 25 paisa. अब जो राइटर थे उनके पास सिर्फ कितना पैसा बचा था? 25, क्योंकि वो बहुत बार ट्राई कर रहे थे, उनका पैसा खत्म होता जा रहा था। Again the shopkeeper showed his kindness. फिर जो शॉपकीपर था फिर से अपनी ईमानदारी दिखाई। He said I would either play. तो बोला कि वो फिर से उनको खेलने का चांस दे दिया। Once more with 25 paisa, or settle the account then there. I played again and again.
लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपीयर। तो वही बताया जा रहा है कि जो शॉपकीपर था वो उनको अलाउ तो कर रहा था खेलने के लिए, लेकिन हमें पैसा दे रहा, पैसा उनका खत्म होता जा रहा। अब उनके पास लास्ट 25 पैसा बचा था और पूरे पैसा ऐसे ही खत्म हो गया, फिर 25 पैसा भी उनके पास खत्म हो गया था। चलिए हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।